तो भाई लोग कैसे यार, ज़्यादा तेज बोल गया। तो भाई लोग कैसे यार, हो भी सब लोग बड़े होंगे। तो यार आ चुके हैं एक और न्यू टीडीएम का मैच लेकर वापस। और भाई आज दोबारा से M24 है भाई, और मैंने यहाँ पे आज 1v2 करा भाई। मतलब मैं अकेला था, सामने वाले दो थे। अब भाई लोग अगर मैच पूरा देखना यार, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा भाई। इसमें कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट्स भी है ना, जो मतलब भाई अपने देखे होंगे ऐसे ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप लोगों ने देखे ही नहीं होंगे वो शॉर्ट्स, भाई अच्छे शॉर्ट्स है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ। और भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने सेटिंग चेंज करी है, तो यहाँ पर भाई हल्की सी गड़बड़ी मतलब यार हो जाती है हल्की सी। मतलब जब वही बात है यार, जब जंप करना चाहता होता हूँ तो भाई स्कोप खुल जाता है, जब स्कोप खोलना चाह रहा होता तो जंप हो जाता है भाई, ये सीन है। तो भाई पर अभी देखो यार, ये दो जने थे तो, और भाई सामने वाले पे फोकस करना भाई, पीठ पीछे वार ऐसे नहीं करते भाई, ठीक है, पीठ पीछे से वार नहीं करा करते। अब भाई जैसे कि आप लोग इनका नाम नोटिस करो भाई, दोनों ने डार्क डार्क लगा रखा। और भाई ये क्या हरकत थी, पहले तो ये बताओ यार। मतलब भाई मैं ADS लेके बैठा हूँ, मैं तो पागल हूँ यहाँ पर। और भाई मैं इस बार भाई देखो एक शॉट में नहीं मर रहा बंदा, क्या सीन है भाई, पहले तो ये बताओ मेरे को। मेरे पिंग भी ठीक आ रहे हैं आज, और भाई नहीं मर रहा यार, क्या ही बताऊँ। पहले तो भाई इसे मारते हैं हम, ज़्यादा क्राउचिंग शूट कर रहे हैं यहाँ पे भी भाई। स्नाइपर में क्या क्राउचिंग शूट करके करोगे। लेकिन भाई मैं ये कह सकता हूँ, जो ये सामने बंदा है ना, ये जो डार्क अंश है भाई, इसका एम अच्छा है भाई, सीरियसली। मतलब भाई कभी कभार ऐसे मार के जाता ना, मैं सोचता हूँ भाई ये ऐसे कैसे मार सकता है यार। मतलब अच्छा एम है इसका, मैं ये कह सकता हूँ। और भाई ये जो बंदा है भाई, ये भी अच्छा ही खेलता है। मतलब ये AR में ठीक खेलता है थोड़ा भाई, ये होता है ना भाई M24 से कोई बंदा नहीं खेल पाता, जैसे कि मैं AR से नहीं खेल पाता, वैसे ही इसका सीन है कि ये M24 से हल्का सा नहीं खेल पाता। और भाई अब ये चीज़ देखने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चल जाती है, नेट भाई हक गया है, ठीक है, क्योंकि पहले उसके मारा और नहीं मरा। और वो भाई यहाँ पर ले जाते हैं यहाँ पर ये मेरे को। और भाई अगर आप हल्का से भी नोटिस कर पा रहे हो ना यार, मेरी हल्की सी लैग हो रही है भाई। लैग और क्या कहते हैं पिंग आने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लैग इन द सेंस कि मतलब भाई हल्का सा जो मेरे डिवाइस है ना, वो एक जगह पे मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं खेल रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो अटक रहा है एक जगह पे। अब भैया पता नहीं आपको रिकॉर्डिंग में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई मेरे को ऐसा लग रहा था। और भाई पिंग का तो अलग ही नशे, जैसे कि आप देख पा रहे हो पहले मार रहा हूँ और बंदा 2 सेकंड बाद मर रहा है, तो भाई ये नशे ही हैं यार, क्या कर सकते हैं। देखना भाई स्पॉन ही नहीं कर रहा भाई, इतनी देर में मुझे दोबारा भी मार कर चला जाएगा यार, स्पॉन ही नहीं कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट वाली पोर्ट हो रहा था मैं अच्छे से। अब यार यहाँ पर मेरा पिंग तो धोखा दे ही रहा होता है, और भाई बीच बीच मेरा डिवाइस भी लैग कर रहा था, तो भाई मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा डिवाइस भी धोखा दे रहा है। और भाई यार भाई ऊपर ही रहता ना हल्का सा भी, 1 सेकंड के लिए ऊपर आता तो वहीं पे बजा देता मैं, लेकिन भाई यहाँ पर ये बजा जाता है मेरे को। अब यार स्पॉन होने में इतना टाइम लग रहा है, और भाई ये क्या हरकत हुई है पहले तो ये बताओ। अब यहाँ पर भाई नेट कुछ ज़्यादा नशे खा रहा होता है, और भाई भाई ये मरा क्यों नहीं यार एक शॉट में। यार मतलब ये एक शॉट में नहीं मरते, और भाई हम एक शॉट में मर जाते हैं यहाँ पर भाई, देखो यार। अब पता नहीं भाई यार क्या पबजी वालों के नशे हैं भाई, कौन से नशे में जी रहे। पहले कार 98 का डैमेज कम कर दिया, और भाई अब M24 का भी मेरे ख्याल से कम कर रहा है। और भाई यार एक पे फोकस करूँ भाई, पीछे से मार रहा है। अब भाई मैं कह रहा था कि कार 98 का भी डैमेज कर दिया, M24 का भी कम कर दिया, भाई आने वाले टाइम में ना ये AWM का भी डैमेज कम कर देंगे। और भाई ये नशेड़ी चीज़ भाई मेरे साथ ही हो सकती है भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा बंदे की M24 ही गायब है यहाँ से, तो भाई मैं 2 M24 रख ही नहीं सकता। पबजी वाले कह रहे हैं भाई तू प्रो बन जाएगा 2 M24 लेके, तो तू एक ही संभाल अभी। अब यार इधर तो भाई देखो अभी अच्छे खासे मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हो, लेकिन भाई कब क्या पलट जाए कुछ भी किसी को नहीं पता। मतलब भाई मैं हार भी सकता था, और भाई बंदे को भाई हमने बिठाई दिया, मतलब लिटाई दिया। और भाई ये नशेड़ी चीज़ देखो भाई, मैंने मारा नहीं मरा, और भाई उसके एक शॉट में मैं मर गया भाई। यही तो भाई दिक्कत है यार पबजी वालों की, पता नहीं यार कब फिक्स करेंगे भाई इस चीज़ को। भाई ये बग नहीं है वैसे, सही बताऊँ तो मेरा नेट नशे दे रहा है इसलिए भाई ऐसा हो रहा है। अब भाई यहाँ देखो इसको तो भाई ये वाला हेड शॉट तो कतई जहर था, लेकिन भाई यार तुम चीटिंग भी कर रहे हो भाई। एक काम करो ना भाई M416 भी ले आओ भाई, मतलब यार ये थोड़ी कोई चीज़ होती है यार, तुम नेड़ तो मत करो यार कम से कम भी, भाई तुम लेवल 3 उठा लो यार, लेकिन भाई नेड़ मत करा करो, उससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी होती है, बड़ी बकवास चीज़ लगती है वो मेरे को। अब भाई एक चीज़ है जो मेरे साथ बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, वो थी डीसिंक, और भाई आज हो ही जाती है। कह रही भाई तू कब तक मेरे से दूर रहेगा, तो मैं आज हो ही जाती हूँ तेरे पे भाई। मतलब देख रहे हो यार बिल्कुल कवर में हूँ, तब भी मार के जाना है भाई, क्यों जाना है भाई, पबजी वालों की मर्जी है भाई, हमारा तो कुछ बस ही नहीं चलता यार। अब यार क्या ही किया जा सकता है यहाँ पर भाई, गेम पे फोकस करते हैं अभी। आज तो भाई मैं कुछ ज़्यादा ही पबजी वालों पे भड़क रहा हूँ, और भाई उसका रीज़न पता है क्या है, मेरा नेट नहीं चल रहा, तो भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है यार। मतलब मैं कुछ भी नहीं चला पा रहा हूँ भाई, मुश्किल से भी व्हाट्सअप चल रहा है यार, तो मेरे को भाई सारी फ्रस्ट्रेशन अभी भाई वॉइस रिकॉर्डिंग में ही निकल रही है सारी। तो भाई अभी तो मैं किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो इसलिए भाई मैं पबजी वालों पर ही गुस्सा निकालूंगा यार।
भाई मतलब मैंने कपड़े तो भाई बराबर डालने आते गेम के अंदर भाई, नए करेक्टर भी डालना आता है, लेकिन भाई जो इसमें ग्लिचेज और बग भरे पड़े भाई इसे कब निकालोगे यार? मतलब इसमें भी ये भी परमानेंट छोड़ देगा भाई पबजी वाले तुमने, एक वो भाई M14 का ग्लिच एक आवाज आती है दूसरी आवाज गायब भी हो जाती है। अब भाई यार मैं कहीं की बात कहीं लेके जा रहा हूँ यार, सीरियसली बहुत दिमाग खराब हो रहा है नेट की वजह से भी। तो यहाँ पर भाई गेम प्ले पे ही फोकस करते हैं अभी। और भाई ये देखो यार मेरा ही तो शॉट मिस होएगा यार, मतलब वो बंदा सामने एक जगह पे स्टेबल खड़ा है, मैं तब भी नहीं मार पा। भाई ये कहाँ से निकल के आया पहले तो बताओ, देखना मैं मार रहा हूँ नहीं मरेगा भाई, वो मारेगा तो मैं मरूंगा क्योंकि मेरा नेट बकवास चल रहा था उस वक्त जब मैंने रिकॉर्ड करा। और भाई ऐसे खड़े होकर कौन देखता भाई। अब यार उसने थर्ड लेवल का हेलमेट पहन रखा था, मुझे भाई फिर भी नहीं पता कि भाई वो कैसे मर गया। मेरे ख्याल से M24 तोड़ देते हैं क्या थर्ड लेवल का हेलमेट ये, पर नॉक तो नहीं करती यार क्लासिक मैच में, भाई नॉक तो नहीं करती यार। और भाई ये बहुत देर से मार रहा था यार, इसको तो पहले हम मारेंगे, बहुत देर होगी भाई तुम्हारे को। अब भाई दूसरे वाले बंदे को भी ढूंढते हैं कहाँ पर है। अब भाई यहाँ पर आगे जाने के बाद मतलब थोड़ा सा इस मैच में आगे जाकर मेरे को भाई रियलाइज़ होता है कि 1v2 भाई मेरी औकात नहीं है भाई, मैं 1v2 नहीं कर सकता। और भाई ये हरकत देखना, यहाँ पे मेरे को लगता है कि मैंने उस पर गोली चलाई है, लेकिन अगेन यार मैंने सेटिंग चेंज करी तो भाई जो मेरी उंगली थी ना मेरे को लगा भाई वो फायर वाले बटन पे क्लिक हुई है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, वो क्लिक ही नहीं हुई थी वहाँ पर। और भाई जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग लास्ट में आते थे भाई, देखो क्या ही मारते यार मेरे को, मतलब अभी भी मार ही रहे हैं वैसे तो, स्कोर देख सकते हो भाई बस 5 स्कोर ही आ गए हूँ मैं। अब भाई लोग जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी AR बहुत ज़्यादा कच्ची है, नहीं पता तो भाई मैंने बता दिया मेरी AR बहुत ज़्यादा कच्ची है। पहले तो भाई इसे देखो भाई, ये वाला हेडशॉट भी बहुत ही तगड़ा था यार, सब्सक्राइब मार देना इसके लिए तो, लाइक भी मारो यार। तो भाई जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरी AR बहुत ज़्यादा कच्ची है, तो यार मैंने AR का मैच लगाया था M416 से, और भाई आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब भाई आप जाके देखना चाहते हो कि वहाँ पर मैं मरा कि जिंदा हूँ, मतलब जीता था वो वाला मैच, तो भाई वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई ये हरकत देखो यार एक बारी, यार मैं कवर में जा चुका हूँ भाई, फिर भी भाई हरकतें करनी है भाई पबजी वालों को तो करेंगे ही वो तो। अब भाई लोग इतना मरने के बाद भाई अब मेरे दिमाग में आता थोड़ा सा तूफानी आइडिया, तो भाई यहाँ पर मैं अपना ग्रेनेड कुक करता हूँ, मेरे को पता है दोनों खा करना है, लेकिन भाई अब भाई ये वाली हरकत से भी मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है भाई, मतलब अगर वो मेरे मुंह पे ग्रेनेड फोड़ता ना तो भाई मैं तो डेफिनेटली मरता भाई, और उसके मैंने मुंह पे फेंका तब भी नहीं मरेगा, क्यों भाई क्योंकि ये पबजी है। अब भाई यहाँ पर मैं भी पूरे फुल मूड में चीटिंग के आ चुका था, मैंने बोला अब भाई मैं ग्रेनेड भी फेंकूंगा, लेवल 3 का हेलमेट भी उठाऊंगा, लेकिन भाई यार हरकत है ना भाई, लेवल 3 का हेलमेट है भाई तब भी मार गया यार। अच्छा यार हेलमेट था, वेस्ट नहीं थी, सॉरी मरता ही मैं तो वेस्ट होती से शायद से मैं बच भी जाता भाई, अगर वो मेरे एक बारी को हेड मार देता तो शायद से मैं वहाँ पे जिंदा रहता या फिर नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी उसे यहाँ पे उड़ाया था एक बारी, तो मतलब उसने थर्ड लेवल का हेलमेट पहन रखा था और मैंने उड़ा दिया था उसको M24 से। अब भाई यहाँ देखो मतलब भाई एक पे फोकस करो पीछे से दूसरा मार जाएगा, तो भाई यही होता है यार 1v2 का नुकसान। और भैया कहाँ घुसे आ रहे हो यार, मतलब मेरे घर के अंदर ही ऐसा तुम्हें लग रहा है कि घुस के मार दोगे? तो भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, इतना नूब भी नहीं भाई जो तुम सोच रहे हो कि घुस के ही मारता चलो भैया मर जाएगा या तो नूबड़ा है, यार ऐसा नहीं है कुछ सीन। तो भाई जैसे कि आप लोग स्कोर देख पा रहे हो यहाँ पर 25 तुम्हारे भाई के, 19 उन दोनों के हैं। तो यार जैसे कि मैंने बोला चीटिंग तो भैया मैं करूँगा ही करूँगा, तो लेवल 3 में दोबारा उठाता हूँ। और भाई पता नहीं यार क्या ही आँखों के आगे से गायब होते हैं भाई, वैसे भी 2 जने हैं तो एक मेरे राइट में था और एक भाई ये देखो हेडशॉट मारा है। अब भाई ये कह सकता हूँ मैं कि लेवल 3 के हेलमेट का भी डैमेज कम कर दिया गया भाई पबजी वालों की तरफ से, मतलब भाई M24 का तो करा ही करा इन्होंने, लेवल 3 के हेलमेट का भी कर दिया भाई, यार एक शॉट में बंदा जा रहा है यार, ये थोड़ी कोई हरकत है। अब भाई लोग यहाँ पर बहुत दिनों से यार क्लासिक मैच की भी नहीं आ पा रही है भाई वीडियो, अगेन यार नेट नहीं चल रहा है भाई, जैसे ही जाते हैं भाई मैच के अंदर माइनस खा के और आ जाते हैं हम, मतलब कि भाई नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो भाई क्लासिक मैच की भी आएंगी आगे जाके, लेकिन भाई अभी TDM मैच डालता हूँ भाई, उसमें भी यार कमेंट्री तो भाई मैं ठीक ही करता हूँ यार, तो ऐसे मतलब बोर मत हुआ करो। और भाई ये चीज़ देखो यार, यही तो नुकसान है मेरे भाई 1v2 का, यही तो नुकसान है, एक को मारोगे तुम पीछे तुम्हारा दूसरा बजा जाएगा। अब भाई मेरे को पता था यार झाकेगा तो है ये क्योंकि चूल्हे इसके अंदर, तो भाई हमने बजा दिया। और भाई लोग अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो तो भाई ये जो बंदा है ना मेरे को बहुत मार रहा है, जो भी है भाई ये डार्क अंश है, तो भाई इसको भी वैसे तो मैंने बहुत ही मारा है, जैसे कि आप लोग स्कोर देख पा रहे हो वो अभी भी मेरे से 6 पॉइंट पीछे चल रहे हैं हल्के से। और भाई ये देखो भाई मतलब यार दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे भाई यहाँ पे भंडारा बट रहा है भाई किसी चीज़ का,
मतलब अभी भंडारे वाला आएगा, इनके आगे पत्थर रखे जाएगा भाई, ये आराम से यहाँ पे बैठ के खाएंगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है, हम आते और एक को मार के चलते बनते हैं। लेकिन भाई चल के जाते कहाँ भाई, दूसरे वाले ने हमारे को ही मार दिया। और भाई यहाँ देखो यार, मैं ही मरूंगा भाई, मैं ही मरूंगा भाई। लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो दूसरे वाला बंदा वो कहाँ पर बैठा होगा। और भाई ये देखो, इसे बंदे को लगा कि सबसे सेफ जगह पबजी की यहाँ पर है, और भैया जी यहाँ पे प्रोन कर जाते। और भाई ये सीन देखो यार, एक बार स्लो मोशन में देखो। तो भाई ये क्या बदतमीजी है भाई, शॉट पहले मैंने मारा भाई, लेकिन रजिस्टर उसका हुआ है। तो भाई ये है पबजी, ठीक है, पबजी नहीं, ये है बगजी भाई, बगजी है यार। तो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जीत जाता है इधर बड़े आराम से, तो भाई और क्या ही चाहिए यार। अब भाई लोग देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो भाई जल्दी से लाइक मारो यार, सब्सक्राइब वाले बटन है ना वो जो लाल होता है उसे जल्दी से काला करो। आज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।